शंकर, आपने पूरा ये जो सातों चरण है वो कवर किए हैं, काफी चीजें देखी हैं इसमें, हर बारीकी से हर चीज को समझा है, तो क्या लगता है कि बिहार की अगर बात कर ली जाए तो लालू की जो विरासत है उसको तेजस्वी बचा पाएंगे या वहां पे भी मोदी छाएंगे? देखिए, आपने सवाल बिहार का पूछा, उससे पहले थोड़ा सा मैं शिखा आपको इस वक्त कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ, बिहार पे मैं लौटूंगा, उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद है कांग्रेस दफ्तर के बाहर, और यहाँ पर बाकायदा हवन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पूरे इकट्ठा हुए हैं और कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब हमारी इन कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बात हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस बार 200 प्लस यानी कि कांग्रेस पार्टी सीटें लेकर आने वाली है, लेकिन यह उत्साह आप देखिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस दफ्तर के बाहर बाकायदा हवन तक किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे इस वक्त, और पूरा का पूरा जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है यहाँ पर जमावड़ा उनका लगा हुआ है, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और आप देखते हैं इनके हाथों में तख्तियां तक शिखा है। प्रियंका गांधी ने दी आवाज, राहुल गांधी जिंदाबाद, इस तरीके की तख्तियां लेकर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमने जब उनसे ईवीएम को लेकर सवाल पूछा तो उनका कहना था कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो इस बार सवालों के घेरे में है, और इसके अलावा जो एग्जिट पोल को लेकर शिखा, जो एनडीए को बहुमत मिल रहा है उसको भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नकार रहे हैं। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे पीछे ये हवन चल रहा है, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस उम्मीद के साथ इस हवन को कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में बन रही है। और जब उनसे सीटों को लेकर हमने पूछा तो 200 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता यहां पर बता रहे हैं, लेकिन एनडीए को बहुमत जब एग्जिट पोल में शिखा मिला उसके बाद से ही लगातार कई सारे सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए। आपको याद होगा चुनाव आयोग का भी रुख किया गया था, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी थी, लेकिन यह उत्साह वाकई देखने को मिल रहा है क्योंकि 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी, और उससे पहले हवन का एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर कर रहे हैं। बिल्कुल शंकर, जिस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है साफ तौर पर कह रही है कि अब की बार 200 के पार कांग्रेस के लिए बोल रही है, लेकिन ईवीएम पे भी एक तरफ सवाल उठा रही है, तो क्या लग रहा है अगर 200 पार अगर कांग्रेस की तरफ से आ जाएंगे तो सवाल नहीं उठेगा क्या? जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी का उनसे मैं कुछ बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग यहाँ कहाँ से आए? आप मुस्तफाबाद से। क्या क्या उम्मीद लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर तो हवन हो रहा है अभी? कांग्रेस पार्टी की जीतने की उम्मीद से आए। आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी जीतेगी? जिताने वाला ऊपर वाला है, जिताएगा क्यों ना, एग्जिट किसी का भला करेगा वो तो जिताएगा ऊपर वाला। अच्छा, आपको लग रहा है कि मौजूदा जो सरकार है उसने देश में काम किया, क्योंकि आप लोग तो ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, किसानों को लेकर जो वादे किए गए थे वादे पूरे नहीं हुए हैं, क्या निराशा है, क्या आपको सरकार से अपेक्षाएं थी जो पूरी नहीं हुई जो आप यहाँ पर आए? हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी ना हुई, यहाँ कौन कर रहा पूरी, वादे करके भूल गया वो, वादे करके सरकार भूल गई। तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो क्या उम्मीद है आपको? बहुत सारी उम्मीद है, कारोबार बढ़ेगा, कारोबार में। आप बताइए आपका नाम क्या? जी मेरा नाम यास्मीन है और मैं मुस्तवाद से आई हूँ। कांग्रेस की सरकार थी, गरीब अमीर सब बराबर थे, लेकिन अब यह गरीब तो बहुत ज्यादा ही गरीब हो गए और अमीर अपना मौज मार रहे हो, गरीब इंसान बहुत ज़्यादा गरीब है। तो मैं ये चाहती हूँ अगर हमारे कांग्रेस पार्टी जीत जाते हैं तो गरीबों को भी सांस लेने का मौका मिल जाएगा। शंकर, आपको पता है कि एग्जिट पोल अभी आए हैं, शंकर, एनडीए को यानी कि बीजेपी को बहुमत बढ़त मिली है। जी जी शिखा, बिल्कुल जिस तरीके से ये है और जो मुस्लिम समुदाय है वो खासा यहाँ पर देखा जाता है तो वो कांग्रेस खेमे में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये महिलाएं हैं और ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है वो बीजेपी की तरफ से आगे बढ़ाया गया है, तो इनसे पूछिए कि क्या इस पर, इस मुद्दे पर क्या कहना है इनका। ठीक, मैं सवाल ले लेता हूँ यास्मीन जी, मेरा आपसे सवाल है, स्टूडियो से सवाल है कि ट्रिपल तलाक को लेकर सरकार ने काम किया है और महिलाओं के हित के लिए सोचा है इस बारे? जी नहीं, अभी तो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपने जीत को, कांग्रेस पार्टी की जीत की खुशी के लिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में 3 तलाक वाली बात हम यहाँ पर नहीं करें, वही सही है। अम्मा कहाँ से आई हैं आप? हम भी मुस्तफा से आए। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको? आपके हाथ में ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पोस्टर है, प्रियंका गांधी अच्छी लगती है आपको? अच्छी लगती है, राहुल गांधी भी अच्छा लगता है, अच्छे लगते हैं। हाँ। तो अब क्या लग रहा है आपको, अभी आज तो काउंटिंग शुरू होने वाली है, 8 बजे के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, हमें ये लग रहा है कि जहाँ तक है राहुल गांधी जीतेगा। अच्छा, राहुल गांधी जीतना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? कौन, वही बनना चाहिए
लेकिन अगर आंकड़ा आएगा, सीटें आएंगी, तभी तो अम्मा बनेगा ना। हाँ जी बनेगा, पूरी उम्मीद है, हमारा यकीन कह रहा। अभी विपक्ष के तमाम जो नेता थे वो एक साथ इकट्ठे हुए, उसमें कहा गया कि मायावती प्रधानमंत्री पद की दावेदार अपने आप को मान रही है, ममता बनर्जी मान रही है, राहुल गांधी भी मान रहे हैं, अखिलेश यादव, बहुत सारे नाम हैं। तो अगर मिलीजुली सरकार आती है तो फिर प्रधानमंत्री के नाम को लेकर तो फिर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी, तो फिर किसके नाम पर आप चाहेंगे कि मोहर लगे अगर सीटें कांग्रेस पार्टी की नहीं आती? लगेगी भैया, हाथ पे ही लगाइए। अगर कांग्रेस की नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। कितनी सीटें आप उम्मीद कर रही हैं इस बार, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि 200 के? हमारे ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस की आएंगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की ज्यादा सीटें आएंगी, आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? मुस्तफाबाद से, मेरा नाम आयशा है, मुस्तफाबाद से आई हूँ। लेकिन कांग्रेस की सरकार जो है वो 15 साल जो हम लोगों को जो सहायता दी वो हमें अब नहीं मिल रही, क्योंकि हमें हदर वदर की ठोकरें खानी पड़ती है, हमारे आदमी बेरोजगार हो गए, हम लोग रोजी रोटी के तलाश में जितने आगे बढ़ते थे हम पीछे चले जाते हैं, फिर हमें फ़ायदा क्या है ये सरकार का? तो ये सरकार हम लोगों को खाने भी दे रही थी और खिलाने भी दे रही थी, इसलिए हमें ये सरकार चाहिए। क्या चाहिए आपको अभी जो सरकार है उससे, क्यों आपकी इतनी निराशा? इसलिए क्योंकि वो हमेशा एक ना एक नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं, पब्लिक जो गरीब है वो कहाँ जाएगी, दर बदर की ठोकरें खा रही है, जो गरीब है वो कहाँ जाएगा? वो इसलिए हम लोगों को राहुल गांधी, गरीब के रहने के लिए घर नहीं है, और जब रोजगार बंद हो जाएगा, किराएदार के लिए जिंदगी खराब है, हर वक्त हर चीज के लिए मुसीबत है इसके लिए, इसलिए 70,000 का जो वादा किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आपको लग रहा है कि उससे फायदा होगा धरातल पर उतरे? हमें तो नहीं लग रहा है फायदा होगा, नहीं लग रहा फायदा होगा, क्यों? तो हमें सरकार तो वो चाहिए कि जो 2.5 रुपये किलो आटा थे वो सरकार चाहिए मुझे, तो ये नहीं चाहिए। अभी जो सरकार है मोदी सरकार उससे खुश है? नहीं, बिल्कुल नहीं है खुश। हम देश का प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं? हम तो कांग्रेस को चाहते हैं। कौन हो कांग्रेस से? राहुल गांधी को चाहते? राहुल गांधी हमारे तो यही चाहिए। तो हम रमजान रख के झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो चाहते कि यही जीते। अच्छा। हाँ, दुख करता है कि हमारे कांग्रेस जीते और कांग्रेस हमारे उतरे ही है। ये 5 साल में तो इन्होंने कर दिया खाने खराब, आपका 5 साल के अंदर ये आ गए तो हम लोग मर जाएंगे, फिर हम लोग नहीं रहेंगे जिंदा। आपको लग रहा है 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है? सरकार ने वादे किए थे। देखो गरीबों की 200 रुपया कमाई है, 200 रुपया इसमें चाहिए जब भी बात होगा पब्लिक से या कहीं भी। अब इसमें पैसे नहीं हो तो बात कहीं भी नहीं होगा। बहुत सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना है, और सरकार ने कहा कि शौचालय की योजना बनाई, ट्रिपल तलाक का भी मामला, हमारे तो कुछ नहीं बना है, हमें तो कुछ भी नहीं करा, हम तो ये देख रहे हैं। और जो कुछ जुड़ा बुट रहा वो भी निकलवा के रात और रात हजम कर लिए। नोटबंदी का आप कह रहे हैं, नोटबंदी के बाद आप परेशान हुए हैं? उसके बाद तो इतने खाने खराब हैं कि बच्चों को रोटी खिलाने को भी, जवान लड़की है शादी करने को उसकी भी शादी ना हो पा रही, जो जूरा बट रहा वो भी हजम हो गई। अम्मा बोलिए, आप नोटबंदी से आप भी परेशान हुई? परेशान है, कह के महीने किराए के चढ़ जाए, किराए पे रहते हैं हम। और भैया हमें यही उम्मीद है कि जहाँ तक राहुल गांधी जी। ठीक, शिखा, ये जाहिर तौर पर राहुल गांधी को जिताना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर जब इनसे बात की गई तो राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर है। वो कह रहे हैं कि भले ही सरकार मिलीजुली आए, क्योंकि आपको याद होगा कि लगातार जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू तमाम नेताओं से मिले थे, शरद यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें फिर ये था कि भाई चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री को लेकर। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं, तो इनका यही कहना है कि पिछले 5 सालों में जो काम होने चाहिए थे बीजेपी सरकार में वो काम नहीं हुए हैं, इसी बात को लेकर इनकी निराशा है। नोटबंदी का जिक्र है, उसमें और भी तमाम ऐसे मसले हैं जिन मसलों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर साथ खड़ी है हमारे साथ। लेकिन ट्रिपल तलाक का आपने जो मसला उठाया वो यहाँ पर इनके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर इनके लिए सबसे बड़ी चीज ये करती है कि 5 सालों में विकास कितना हुआ है। बिल्कुल, उनको लगता है कि पिछले इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी शिखा, उस वक्त देश के विकास के लिए काम हुआ है, लेकिन 5 साल में सिर्फ वादे किए गए हैं, वादों के सिवा कुछ नहीं हुआ है।